Hello student, good morning. I am going to teach you your subject SS Standard 8 Chapter number 6. Standard 8 Subject SS Chapter number 5 Revolutionaries of India. उसका part 2 मतलब कि हमने half से ज्यादा chapter complete कर दिया था. मतलब चंद्रशेखर आजाद का हमारा हो चुका था. अभी हम भगत सिंह और श्याम कृष्ण वर्मा और मैडम कामा के बारे में पढ़ेंगे. अभी देखो भगत सिंह. भगत सिंह वॉज बॉर्न ऑन 28 सितंबर 1907 इन बंगा विलेज लायलपुर डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब. भगत सिंह का जो बॉर्न था वो 28 सितंबर 1907 को बंगा विलेज में लायलपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में हुआ था. वो जो असहयोग मूवमेंट था उस समय जो विदेशी ब्रिटिश लोगों के जो कपड़ों की होली खेली जा रही थी उसमें उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था. और उसके बाद वो जो लाहौर नेशनल कॉलेज है वहाँ पे उन्होंने स्टडी की थी. तो उस टाइम वो है ना भगत सिंह और जो यशपाल और सुखदेव उनके कांटेक्ट में आए थे. उसके बाद 8 अप्रैल 1928 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो असेंबली थी वहाँ पे बम फेंका था. और जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका था तो वहाँ पे से वो लोग है ना गए नहीं थे. मतलब कि बम फेंक के उन्हें भागा था लेकिन वो भागे नहीं थे. वहीं पे खड़े रहे और वो नारा लगाते रहे थे इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद का नाश हो और दुनिया के जो मजदूर हैं वो एक हो. ठीक है अभी देखो their desperate pamphlets with the revolutionary message. वो लोग है ना जो pamphlets होती थी ना क्रांति की वो लोगों को बांटते थे. मतलब कि लोगों को संदेश देते थे कि हमें ये जो विदेशी है उनको भगाना है कुछ करना है. और उन्होंने है ना आत्मसमर्पण कर दिया था एंड में. वो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था. फिर उसके बाद जो भगत सिंह और सुखदेव और ये जो राजगुरु थे ना उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनका नाम था सैंडर्स उनको मार दिया था. उनको किल कर दिया था मार दिया था. उसके बाद है ना क्योंकि उनको क्यों मारा था क्योंकि जो लाला लाजपत राय थे उनका मर्डर कर दिया था उनके ऑफिसर ने. इसलिए उन तीनों ने मिलकर उनको मार दिया था. तो उस वजह से उनको ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था और उन तीनों को एक साथ फांसी की सजा दे दी. मतलब 28 मार्च 1931 के दिन उनको फांसी की सजा दे दी थी. अभी देखो भगत सिंह ने कुछ लाइन्स लिखी है. दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत मेरी मिट्टी से भी खुशबू है वतन आएगी. ठीक है अभी देखते हैं हम श्याम जी कृष्ण बर्मन के बारे में. सॉरी श्याम जी कृष्ण वर्मा. श्याम जी कृष्ण वर्मा वॉज बॉर्न ऑन 4 अक्टूबर 1857 इन मंडारी विलेज ऑफ कच्छ. जो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे उनका बॉर्न 4 अक्टूबर को हुआ था 1857 को कच्छ के मांडवी गांव में. ठीक है ये जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है ना वहाँ पे स्टडी करते थे. और इन्होंने ना इंडिया को इंडिपेंडेंस करने के लिए लंदन में 1905 में 18 फरवरी को इंडियन होम रूल सोसाइटी की उसकी स्थापना की थी. और बाद में जो होम रूल सोसाइटी थी उसका नेम इंडियन हाउस रख दिया गया था. और ये जो होम रूल सोसाइटी थी इसका प्रचार
को, फिर बाद में है ना इनको है ना लंदन में अनसेफ फील होने लग गया था, मतलब इनको मतलब इन्होंने बहुत वहां पे ना क्रांतिकारी प्रवृत्तियां की थी तो इनको अनसेफ फील हो रहा था, तो इस वजह से वो है ना पेरिस चले गए। फिर पेरिस से वो कुछ टाइम के बाद स्विट्जरलैंड चले गए और 1930 में उनकी डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद जो उनकी वाइफ थी भानुमति उनकी भी डेथ हो गई थी 1933 को। ठीक है, अभी आते हैं हम मैडम काम, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, मतलब हमारे चैप्टर की लास्ट क्रांतिकारी है मैडम काम। मैडम कामा वॉज बॉर्न ऑन 24 सितंबर 1861 इन मुंबई। जो मैडम कामा है उनका बॉर्न हुआ था 24 सितंबर को, सॉरी 24 सितंबर को 1861 में मुंबई। ठीक है, अभी सी स्टेड इन लंदन फ्रॉम 1902 टू 1907 से, वो है ना लंदन में 1902 से 1907 तक रही। फिर उसके बाद सी वॉज एन एसोसिएटेड ऑफ श्याम जी के सुमन माने स्टेबलाइज इंडियन मॉन्गोल सोसाइटी। फिर बाद में उनको है ना जो श्याम जी के वर्मा थे उन्होंने जो इंडियन हाउस की जो सोसाइटी की स्थापना की थी उससे ये जुड़ गई थी। फिर बाद में ये मैडम कामा है ना, जो मैडम कामा थी ना वो 1997 में जर्मन के अल्टुएट गार्ड सिटी में जो सेकेंड इंटरनेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस चल रही थी ना उसमें थी। तो उसमें उस टाइम उन्होंने है ना जो स्लोगन था वंदे मातरम वो गाया था, और उसके बाद उन्होंने हमारा जो तिरंगा झंडा था वो लहराया था। ठीक है, अभी हम इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू।